Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. virheen and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know, that we are on chapter number six, and the name of our chapter is Force and Motion. टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल मशीन जो कि हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं और उनमें से हम आज सिर्फ लिवर को डिसकस करेंगे बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली मूव फॉर्वर्ड टूवर्ड्स द री कैप हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स है इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन सो वट आर द डिसंटेज ऑफ फ्रिक्शन सो हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था एडवांटेजेस पढ़े एंड देन बी डिस्कस अबाउट द डिसडवांटेस वीडियो को पॉज करें और जल्दी से मुझे फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस बताए Very good, excellent. So now you know कि friction के जो है कितने सारे disadvantages भी हैं जैसे कि ये हमारी um, force जो है ज्यादा exert करनी पड़ती है to move क्योंकि ये movement को resist करती है So these are some of the disadvantages of friction. So now let's quickly move forward towards then activities. So here you can see some simple machines on your screen. आप देख सकते हैं कि कुएं से पानी निकाला जाता है तो इसमें भी एक simple machine इस्तेमाल होती है Then लोड uh, को लिफ्ट करने के लिए भी सिंपल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा लोड को एक लेवल से दूसरे लेवल पे भी आसानी से लेके जाया जाए इसके लिए भी सिंपल मशीन्स जो है वो यूज की जाती हैं इन तमाम सिंपल मशीन्स को वन बाय वन हम लेक्चर्स uh, में डिस्कस करेंगे सो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिवर सो क्विकली टेल मी दैट कैन यू नेम दीज थिंग्स आपने इन सिंपल मशीन्स को कभी देखा है रैम पुलिस सो दीज आर सम वेरी बेसिक सिंपल मशीन्स वॉट आर दे यूज इन डिफरेंट दे मेक आर वर्क इजी ये हमारे वर्क को आसान बना देती हैं ओके माई डियर स्टूडेंट्स इन ट डेज लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकोगनाइज सिंपल मशीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिवर्स टूडे हेल्प मेक मोशन ईजियर फॉर एग्जाम्पल मेक लिफ्टिंग थिंग्सर रिड्यूज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर चेंज द डिस्टेंस और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स सो माई डियर स्टूडेंट्स हम आज सिर्फ लिवर को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये फोर्स जो है उसको uh, कम कर देता है हमारी एफर्ट को कम कर देता है टाइम को सेव करता है और हमारे काम को आसान बनाता है सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली मूव फॉर्वर्ड टूवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन सो क्विकली टेल मी दैट वॉट आर सिंपल मशीन्स सिंपल मशीन आर एनी मशीन दैट मेक्स आर वर्क ईजियर और ये बहुत ही सिंपली जो है ह्यूमन एफर्ट से जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है सो वॉट आर टूल्स टूल्स ऑल्सो मेक आर वर्क ईजी किसी भी चीज को ओपन करने के लिए खोलने के लिए um, जो है हम टूल्स का जो है वो डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं ओके माई डियर स्टूडेंट सो रेट क्विकली मूव फॉर्वर्ड टूवर्ड्स द रीडिंग फॉर रीडिंग क्विकली ओपन पेज नंबर इन प्रीवियस अबाउट सिंपल मशीन्स एंड देयर पर्प सो प्रीवियस ग्रेड में भी हम सिंपल मशीन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं दैट इज मेकिंग मोशन इजियर यानी कि ये हमारी मूवमेंट के कामों को आसान बना देती है In the subsequent grades, you will learn the uses of uh, these simple machines in making and lifting things easier, reducing the amount of required force, changing the distance, or changing the direction of the force. सो माई डियर स्टूडेंट्स अब हम जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लर्न करेंगे कि जो है हमारे काम को लिफ्टिंग को मूवमेंट को बहुत ही आसान बना देती हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स क्या होते हैं इट इज लेट्स रीड अबाउट इट board इज rod बोर्ड और रॉड दैट support ऑन a कॉल्ड टू लिफ्ट और मूव द लोड सो माई डियर स्टूडेंट्स बेसिकली लिवर क्या है लिवर जो है ये एक स्टिफ बोर्ड या रॉड होती है जो कि सपोर्ट रेस्ट करती है या सपोर्ट करती है फलकरम के ऊपर टू लिफ्ट हैवी लोड यानी कि लोड को उठाने के लिए अ लिवर हैज थ्री कॉम्पोनेंट्स दैट इज एफर्ट फलकरम एंड लोड दीज आर एडजस्टेड इन डिफरेंट मैनर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क सो माई डियर स्टूडेंट्स एक लिवर जो है उसके तीन पार्ट्स होते हैं दैट इज एफर्ट फलकरम एंड लोड इन तीनों को मुख्तफ पोजिशन पोजिशन में एडजस्ट किया जाता है ताकि हम अपने काम को आसान बना सकें सो माई डियर स्टूडेंट्स है यू कैन सी अ अवर अ वेरी सिंपल जस्ट अ पीस ऑफ रॉड जिसको यूज किया जा रहा है इस लोड को लिफ्ट करने के लिए एंड वेयर इट इज रेस्टिंग यानी कि ये रॉड जिस चीज पे रेस्ट कर रही है दिस इज कॉल्ड फलकरम तो इस लिवर के तीन हिस्से क्या है यानी कि एक हिस्से पे एफर्ट अप्लाई की जा रही है दूसरा लोड है जिसको उठाया जा रहा है एंड वेयर इट इज रेस्टिंग दैट इज़ सो परफॉर्म्स मेक लिफ्टिंग समथिंग अड्स मच लेसर एफर्ट एंड लिफ्टिंग बाय अलिवर चेंज इज द डायरेक्शन ऑफ अपलाइड फोर्स फॉर एग्जाम्पल वाइल यूजिंग हैल दैंड पुशे डाउन द हैंडल ऑफ द हैमर वाइल्ड क्लॉ एंड पुल्स द ने सो माई डियर स्टूडेंट्स लिवर जो है ये हमारे काम को बहुत आसान बना देते हैं चीज़ों को उठाना आसान बना देते हैं इसके अलावा ये फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करके चीज़ों को आसानी से आप या तो लिफ्ट कर सकते हैं या उनको पुल आउट कर सकते हैं इसकी बहुत ही एक डेली लाइफ की एग्जाम्पल है क्लॉ हैमर अभी मैं आपको क्लॉ हैमर की पिक्चर भी दिखाती हूँ आपकी बुक में भी बनी हुई है किस तरीके से क्लॉ हैमर नेल के अंदर जब इंसर्ट किया जाता है और फिर उसके ऊपर एफर्ट अप्लाई की जाती है तो इस डायरेक्शन में जो है आप एफर्ट अप्लाई करेंगे या अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे और जो है आपका इस तरीके से नेल जो है इट विल कम आउट इजीली जबकि अगर आप उसको हाथ से पुल आउट करेंगे नेल को तो यू कैन नेवर पुल इट आउट लिवर द डिस्टेंस ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड नोट द डिस्टेंस बिटवीन द हैंड एंड द लोड सो माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से ये लोड के और एफर्ट के दरम्यान में डिस्टेंस को भी कम करता है जिसकी वजह से जो है लोड को उठाना जो है वो आसान हो जाता है सो है यू कैन सी अ क्लॉ हैमर सो किस तरीके से एफर्ट इस जो है वो डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है दिस इज द फलक्रम विच इज रेस्टिंग जिसके ऊपर लिवर जो है वो मूव कर रहा है और इसको हम यहाँ लोड कहेंगे जिस जो के अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन और एफर्ट इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन सो इस तरीके से जो है नेल जो है आसानी जो है वो निकल जाएगा ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो है यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर्स नाउ आप यहां देख सकते हैं कि एक साइड पे एफर्ट अप्लाई हो रही है द अदर साइड इज द लोड और सेंटर में जहां ये मूवमेंट uh, हो रही है इसकी दैट इज द फलकरम दिस इज द फलकरम अगेन डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं लिवर की आप देख सकते हैं हाउ इजीली वी कैन लिफ्ट द लोड अ लिवर एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑन वन साइड एफर्ट अप्लाई होती है और लोड जो है वो लिफ्ट होता है लेकिन सीसा में लोड और एफर्ट जो है वो कीप ऑन स्विचिंग होते रहते हैं यानी कि जब सीसो नीचे जाता है तो जब नीचे वाली साइड पे एफर्ट अप्लाई होती है एंड पोर्शन दैट गोज अपवर्ड वहां जो है वो लोड होता है इसी तरह जब दूसरी साइड से बच्चा नीचे चला जाता है तो क्या होता है कि अब यहाँ एफर्ट अप्लाई हो रही है और दूसरी साइड से लोड जो है वो अपवर्ड मूव हो रहा है एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड सो माई डियर स्टूडेंट्स अब एक्टिविटी के थ्रू हम जो है बनाएंगे और उसके तीनों जो कॉम्पोनेट्स हैं हम उसको शो करेंगे यहाँ सो लेट्स क्विकली लुक एट द एक्टिविटी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नंबर फोर सो किस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है मेक सिंपल टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट सच एज बुक्स इन द क्लासरूम चेंज द पोजिशन ऑफ एंड हाइट टू लिफ्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स सो माई डियर स्टूडेंट अब मैं आपको लिवर जो है वो बना के दिखाऊंगी हम किस तरीके से लिवर बनाएंगे इसके लिए हमें एक रॉड की जरूरत है फलकरम बनाएंगे हम और जो है हम लोड को लिफ्ट करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी नीडिंग अ रॉड अ स्टिफ रॉड मजबूत होना चाहिए जिससे हम अपने लिवर को स्टार्ट करेंगे सो हे यू कैन सी दिस इज द लिवर एक रॉड है इट इज जस्ट अ पीस ऑफ रॉड इट इज रेस्टिंग ऑन अ स्टोन ठीक है इसको मैंने एज अ फलकरम यूज किया है एंड दे हेयर इज द वेट

लोड एंड फलकरम ठीक है इस तरीके से आप हैवी लोड को जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं इसी तरह आप इसकी हाइट को और फलक्रम की पोजीशन को चेंज करके भी इसको आप आगे करें और आप फिर कोशिश करें लोड को लिफ्ट करने की तो जितना ये लोड के करीब हो रहा है उतना ही लोड को मूव करना आसान हो रहा है ओके माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स इंडिपेंडेंट एक्टिविटी क्या करना है फॉलोइंग पिक्चर्स सो माई डियर स्टूडेंट्स अब इसमें आपने लोड को आइडेंटिफाई करना है सो दिस इज लोड दिस इज फलकरम एंड दिस इज एफर्ट सो नेक्स्ट पिक्चर इज इसमें हम देखेंगे कि कहाँ जो है वो लोड फलकरम और एफर्ट है सो हेयर यू कैन सी दिस इज लोड दिस इज फलकरम क्योंकि यहां पे मूवमेंट होगी एंड हेयर बिकॉज इट इज अ ट्यूजर एंड दिस इज द एफर्ट आप इधर एफर्ट अप्लाई करेंगे नेक्स्ट पिक्चर हेयर इज अ स्टेपलर सो हेयर इज द मूवमेंट ऑफ द यहां पे मूवमेंट होगी सो दिस इज फलकरम हेयर विल बी एफर्ट अप्लाइड एंड दिस इज द लोड अगेन लोड फलकरम एंड एफर्ट सो मैंने इनको जो इसके स्टार्टिंग वर्ड्स हैं उनसे नोट किया है सो पॉज दू कंप्लीट द एक्टिविटी आई होप एवरीबडी हैज डन इट नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स द अवेल्यूएशन सो क्विकली टेल मी दैट हाउ सिंपल मशीन्स हेल्प अस द रिड्यूस आर एफर्ट सेव आर टाइम

ओके माई डियर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गट एट एंड प्रिं फॉर बाई टीचर सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन यू नेम ऑन द वर्कशीट एंड देन स्टार्ट डूइंग इट सो है यू कैन सी हमारे पास जो है एक वर्ड बैंक दिया गया है इसको आपने कैसे यूज करना है कंप्लीट द टेक्स्ट विद द वर्ड इन द बॉक्स सो यहां आपको एक टेक्स्ट दिया गया है जिससे आपने इन वर्ड्स को यूज करके फिल करना है और आपको एग्जाम्पल के लिए आपको एक पिक्चर भी दी गई है इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है एक सीसा दिखाया गया है जिसमें एफर्ट अप्लाई हो रही है फलकरम दिखाया गया है एंड द द गर्ल दैट इज लिफ्टेड इज द लोड सो नाउ लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स अ डैश इज अ डैश मशीन अ लिवर इज अ सिंपल मशीन and it is an example of dash it is an example of seesaw the dash is the the dash is, uh, is in the middle the fulcrum is in the middle in this drawing the girl is the Load, and the boy applies the effort. With the seesaw, the boy can dash the girl, lift the girl. So this is how you will pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the next part of the worksheet. So what you will do now is join the words with their definitions: liver, effort, load, fulcrum. So, what is liver? The force of the object we need to move? No. So, that is uh, the point where the uh, liver turns. It is a rigid bar, so it is a rigid part. So, effort, the force applied. Fulcrum, the point where the liver turns. And load, the force of the object we need to move. So, my dear students, again pause the video and complete this part of the worksheet. I hope everybody has finished it now let's quickly move forward towards the homework so my dear students you will do mcq number 2 7 and 9 given on page number 89 you will also do questions in your notebook that is question number 9 section b page number 90 and you will do question number 3 and the part that you will do is liver on page number 90 you will do the question answers in your notebook so my dear students let's now revise

हेल्प करता है सो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू हैव इंजॉय टू डेज लेक्चर कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ हैव अ गुड डे थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज।